हाय गाइस, मैं शरद चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम सब बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मैथ्स स्टैंडर्ड एंड मैथ्स बेसिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल इस सेशन के लास्ट में जो एग्ज़ाम होगा 2019-20 का बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 के लिए, तो आप वहां पर मैथ्स स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक दो तरह के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने सेलेक्ट किया होगा मैथ्स स्टैंडर्ड या मैथ्स बेसिक, तो मेन डिफरेंसेस इसमें क्या है, डिफरेंसेस या सिमिलैरिटी, या इनका सिलेबस की बात करें, ब्लूप्रिंट की बात करें, क्या एडवांटेज होंगे स्टैंडर्ड को लेने के या क्या डिसएडवांटेज होंगे बेसिक मैथ्स को सेलेक्ट करने के, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोड की, सब्जेक्ट कोड। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर है मैथ्स स्टैंडर्ड, तो उसका कोड आपका वही है जो पहले से होता था नॉर्मल मैथ्स का, 041। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर जो आपका है सेकंड मैथ्स बेसिक, उसका कोड है आपका 241। 041 फॉर मैथ्स स्टैंडर्ड एंड 241 फॉर मैथ्स बेसिक। ओके, डिफरेंस की अगर बात करें तो गाइस, मेन डिफरेंस जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल का है। मैथ्स स्टैंडर्ड का डिफ़िकल्टी लेवल वही रखा गया है जो अभी तक होता था एक नॉर्मल मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का, बट अभी जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर है आपका मैथ्स बेसिक, इसका डिफ़िकल्टी लेवल स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में थोड़ा ईजियर होगा, या आप कहें कि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा लो होगा। जो क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन पेपर में, मैथ्स बेसिक के क्वेश्चन पेपर में, आप कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन जो मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर है वहाँ जैसे कि पहले से होता है कि 75% या कहें कि 70-80% क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी का होता है, एनसीईआरटी से होता है। जो अदर क्वेश्चंस होते हैं 30% वो आपके अदर बुक्स से भी आते हैं। तो ये बात थी डिफरेंस की, डिफ़िकल्टी लेवल मेन डिफरेंस है। बात करें सिलेबस की, तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल की ही हमारी प्लेलिस्ट है, आपने विज़िट की होगी, वहाँ आप देखेंगे हमने एक वीडियो और बनाई है सिलेबस और ब्लूप्रिंट के बारे में, कि क्लास 10 के मैथ्स क्वेश्चन पेपर, मैथ्स स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक में सिलेबस और ब्लूप्रिंट में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई है। आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि सिलेबस और ब्लूप्रिंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिलेबस एंड ब्लूप्रिंट बोथ ऑफ देम फॉर बोथ द पेपर्स विल बी सेम, एग्जैक्टली सेम, वो सेम ही रहेगा। अब गाइस, बात करते हैं एडवांटेज। एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड मैथ्स लेने को क्या एडवांटेज होगा। तो गाइस, आपको पता है अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स आपने सेलेक्ट किया है तो 10th क्लास के बाद आप मैथ्स पढ़ने के लिए अलाउ किए जाएंगे, आप मैथ्स ले सकते हैं, आप पीसीएम 11th और 12th क्लास में पीसीएम स्ट्रीम में जा सकते हैं। इन अदर केस, अगर आपने मैथ्स बेसिक लिया है तो आप क्लास 10 के बाद मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ने के लिए आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, किसी भी स्टैंडर्ड पर आप मैथ्स नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, तो आई होप गाइज आपको दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस समझ आए होंगे। थैंक यू गाइस।